इसी बीच विभव कुमार से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जानकारी मिल रही है कि विभव कुमार इस समय अमृतसर में मिल सकते हैं, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विभव कुमार के घर पहुंची थी लेकिन वहां पर विभव कुमार नहीं मिले, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। घर पर मौजूद लोगों से विभव की जानकारी ली गई, विभव के अमृतसर में होने की आशंका जताई जा रही है। कल दिल्ली में अपने घर पर नहीं थे विभव कुमार, दिल्ली पुलिस की टीम कल विभव के घर पर गई थी और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी। अरविंद केजरीवाल वहां पहुंचे थे, अपने साथ विभव कुमार को भी वहां पर लेकर गए थे। रिपब्लिक ने बात करने की कोशिश की और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, स्वाति मालीवाल से बदसलूकी का ये मामला है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, घटना में शामिल हर शख्स की भूमिका की जांच होगी। लेकिन इस पूरी खबर में एक बड़ा एंगल ये है कि केजरीवाल भी जांच के दायरे में आ सकते हैं। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, केजरीवाल जो कि आपको बता दें जमानत पर बाहर है, ऐसे में अब उन पर भी जांच का जो बादल है, जो संकट है, वो मंडरा सकता है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, स्वाति मालीवाल से बदसलूकी का मामला सामने जब से आया है तब से लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इस मामले में सख्ती से जांच कब होगी। लेकिन 10 जगहों पर तलाशी अब तक की जा चुकी है, विभव कुमार का कुछ पता नहीं चला है। तो देखिए अब आपको टाइमलाइन बताते हैं क्या कुछ हुआ था। 16 मई 2024 रात 11 बजे विभव कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, ये आपको बता रहे हैं। इसके अलावा आपको बताया कि 16 मई 2024 रात 11 बजे स्वाति को एम्स लेकर पुलिस पहुंची है, स्वाति मालीवाल को एम्स लेकर पहुंची दिल्ली पुलिस। विभव के घर पहुंची रात को 11:55 पर, जो हम टाइमलाइन आपको बता रहे हैं कि क्या कुछ हुआ है। 16 मई को हुआ है ये सारी चीजें और रात को 11:55 पर ही पुलिस को घर पर विभव नहीं मिले। दिल्ली पुलिस पहुंची थी लेकिन विभव कुमार वहां नहीं मिले। स्वाति मेडिकल के बाद एम्स से निकली रात को 3:15 पर, देर रात 3:15 पर स्वाति मेडिकल के बाद एम्स से निकली। तो ये आपको बता रहे हैं, देखिए किस तरीके से स्वाति मालीवाल केस की टाइमलाइन, दिल्ली पुलिस किस तरीके से गई वहां पर लेकिन विभव कुमार वहां पर नहीं मिले। मेडिकल के लिए जो लगातार टल रहा था, स्वाति मालीवाल पहुंची एम्स और रात में 3:15 पर निकली। इसी से जुड़ी आपको एक रिपोर्ट भी दिखाते हैं कि आखिर पूरा ये जो मामला है कैसे कैसे आगे बढ़ा। स्वाति मालीवाल ने सुनाई आप बीती, स्वाति के सच से सियासी खलबली, विभव पर एफआईआर, गिरफ्तारी की तलवार। आप पर टूटा मुसीबत का नया पहाड़, दिल्ली सीएम हाउस में आपकी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से बदसलूकी के मामले में दिल्ली पुलिस एक्शन में है। न सिर्फ स्वाति मालीवाल की शिकायत पर विभव कुमार के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 161 के तहत एफआईआर दर्ज की गई, बल्कि देर रात पुलिस विभव की तलाश में उसके घर भी पहुंची। सूत्रों के मुताबिक विभव घर पर नहीं मिले तो उनकी पत्नी को पुलिस की ओर से पूछताछ का नोटिस दिया गया। उससे पहले स्वाति मालीवाल का एम्स में दिल्ली पुलिस ने मेडिकल टेस्ट भी करवाया। महिला सांसद से दिल्ली सीएम के ड्राइंग रूम में अरविंद केजरीवाल की घर में मौजूदगी के दौरान हुए बदसलूकी ने सियासी बवाल खड़ा कर दिया है। बदसलूकी के खिलाफ सियासी शोर उफान पर है और हर तरफ से आम आदमी पार्टी और दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल निशाने पर हैं। बीजेपी ने सीएम केजरीवाल से सीधा सवाल किया कि आपकी मौजूदगी में कैसे एक महिला के साथ अत्याचार होने दिया गया। मैं अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री, आपसे सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूं। जब स्वाति मालीवाल के साथ इस तरह की घटना आपके आवास में हुई, आप उस समय घर में मौजूद थे,
आखिर क्यों आपने एक महिला पर अत्याचार होने दिया? क्यों आपने रोकने की कोशिश नहीं की? क्यों आज चार दिन तक आप चुप्पी रख के बैठे हैं? मैं अब भी आपसे कहता हूं कि अगर थोड़ी सी भी गैरत है तो तुरंत विभव को पुलिस के हवाले करें। वहीं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने पूरे मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, मेरे साथ जो हुआ वो बहुत बुरा था, मेरे चरित्र हनन की कोशिश हुई, पुलिस को घटना की जानकारी दी है, भरोसा है कि पुलिस उचित कार्रवाई करेगी, बीजेपी इस मुद्दे पर राजनीति ना करे। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ हुई मारपीट मामले में दिल्ली पुलिस ने कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए के खिलाफ 354, 506, 508 के तहत मुकदमा दर्ज किया है और फिलहाल जल्द ही दिल्ली पुलिस जो है अरविंद केजरीवाल के पीए विभव को नोटिस जो है वो इश्यू करेंगे, जिससे विभव इस नोटिस का जवाब देने के लिए दिल्ली पुलिस के समक्ष पेश होंगे। आम आदमी पार्टी ने विभव पर सख्त एक्शन लेने की बात कही थी, लेकिन विभव अरविंद केजरीवाल के साथ लखनऊ एयरपोर्ट पर दिखे, कार में साथ साथ बैठे दिखे और जब अरविंद केजरीवाल से विभव पर सवाल पूछे गए तो सवाल से कन्नी काटते हुए केजरीवाल ने हाथ जोड़ लिए। बीजेपी पूछ रही है कि केजरीवाल विभव पर कब और कैसे एक्शन लेंगे। आज अरविंद केजरीवाल जी को न केवल इस्तीफा देना चाहिए पर यह बताना चाहिए कि विभव कुमार को जो बचा रहे हैं यही आपके महिला सशक्तिकरण का मॉडल है। इस बीच राष्ट्रीय महिला आयोग ने पूरे मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए विभव कुमार को आज सुबह 11 बजे पेश होने को कहा है। कल लखनऊ में केजरीवाल से जब विभव कुमार पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने चुप्पी साध ली थी, लेकिन अब इंडी गठबंधन के सहयोगी दल भी पूरे मामले पर स्वाति मालीवाल के साथ खड़े हैं और बीजेपी इसे लेकर भी तंज कर रही है कि महिलाओं के साथ अगर कहीं भी अत्याचार हो रहा है, कुछ भी गलत होता है तो हम उन्हीं के साथ खड़े हैं। मैं हमेशा महिलाओं के साथ ही खड़ी रहती हूं, चाहे किसी भी पार्टी की हो। कि आम आदमी पार्टी आपस में डिस्कस करेंगे, वो उनके नेता हैं तो वो आपस में निर्णय लेंगे, ये उन पर है। आज वो कहती हैं आम आदमी पार्टी की बात घर की बात है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो उनके साथ में साथी हैं, वो उनके साथ मिले हुए भ्रष्टाचारी लोग आज उनके साथी हैं तो वो चुप्पी साध रही हैं, क्यों नहीं बोल रही, क्यों नहीं महिला के लिए खड़ी हो रही, कब तक ये दोगलापन चलता रहेगा। और बहुत ही शर्मसार करने वाला और असंवेदनशील बयान प्रियंका गांधी जी का सामने आया, असंवेदनशील तो वो थी ही लेकिन आज उनके बयान भी सामने आ रहे हैं। जाहिर है आम आदमी पार्टी के लिए ये मुद्दा नई मुसीबत बन चुका है। अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले में अभी अंतरिम जमानत मिली है और चुनाव प्रचार के बीच ये मुद्दा आप पर हावी है। मालीवाल से बदसलूकी आप पार्टी के गले की फांस बन गया है। केजरीवाल पर विभव को बचाने के आरोप लग रहे हैं। अब देखना होगा कि विभव पर एफआईआर के बाद कितनी जल्दी पुलिस उसे गिरफ्तार करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी खबर पर हमारी सहयोगी अंजलि और वैभव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंजलि विभव कुमार के घर के बाहर हैं और वैभव केजरीवाल के घर के बाहर। लेकिन सबसे पहले अंजलि आपके पास आएंगे। 10 जगहों पर लगातार पुलिस जो है दबिश दे चुकी है, विभव कुमार का कुछ अता पता नहीं है। आज सुबह 11 बजे भी महिला आयोग की तरफ से कहा गया कि उन्हें पेश होना है, लेकिन पेश होंगे या नहीं इसको लेकर भी तस्वीर साफ नहीं है। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल के घर के भीतर जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनको लेकर भी फुटेज खंगाली जाएगी ताकि सबूतों को जुटाया जा सके।